दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। एसीबी ने अमानतुल्ला खान से जुड़े दो ठिकानों से अवैध पिस्टल बरामद की थी और 24 लाख रुपए कैश भी बरामद किया था। वहीं अब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमानतुल्ला खान के समर्थक एसीबी की टीम के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। बता दें कि अमानतुल्ला ने गिरफ्तार होने के बाद उनके पार्टनर हामिद अली को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। वहीं रॉस एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में अनियमितता के मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को 4 दिन में एसीबी कस्टडी में भेजा है। अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में सभी मानदंडों और सरकारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों को अवैध रूप से नियुक्त किया था। आप विधायक खान का भ्रष्टाचार और पक्षपात करने का आरोप लगा है। अमानतुल्ला खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बोर्ड की कई संपत्तियों का अवैध रूप से किराए पर दे रखा है। अमानतुल्ला पर एसीबी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में धन का दुरुपयोग किया है और इसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि एसीबी की छापेमारी के बाद 3 FIR दर्ज की गई है, जिसमें से 1 FIR हामिद अली के खिलाफ दर्ज किया है। हामिद अली पर आरोप है कि उनके परिसर में जो बंदूक मिली है वह बिना लाइसेंस की है। इसके साथ ही हामिद अली के परिसर में कारतूस भी बरामद हुए थे। एसीबी प्रमुख ने शुक्रवार को बताया था कि विधायक खान के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अमानतुल्ला व उनके व्यवसायी हिस्सेदारी की अवैध चल अचल प्रॉपर्टी का पता लगा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान काफी कागजात बरामद किए हैं। वहीं अमानतुल्ला के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली में बीजेपी में आम आदमी पार्टी के उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दंगों की राजधानी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े गुनहगार अमानतुल्ला खान और ताहिर हुसैन हैं।